एक तरफ जहां दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे कई बड़े और पावरफुल देश भारत की विदेश नीतियों की तारीफ करते नहीं थक रहे। आखिर पूरी दुनिया में भारत की इतनी तारीफ क्यों हो रही है? बड़े देश भारत का इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं और क्या है इसके पीछे की वजह? आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट पर है। तीसरे विश्व युद्ध की पनपती परिस्थितियों के बीच सबकी निगाहें दुनिया भर के बड़े और प्रभावशाली नेताओं द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर टिकी है कि आखिर इन नेताओं का फैसला क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच भारत की विदेश नीति की पूरी दुनिया में चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीतियां दुनिया भर की निगाहें अपनी ओर समेटे बैठी हैं। विदेशी मंचों पर कई बार पीएम मोदी और भारत की नीतियों की चर्चा लगातार हो रही है। दुश्मन देशों से निपटना हो या पड़ोसी देशों की मदद करना, पीएम मोदी की रणनीति बिल्कुल सटीक बैठती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच खुद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव प्रधानमंत्री मोदी से मिलने भारत पहुंचे थे। इस दौरान जो सूझबूझ भरी बातें पीएम मोदी ने की, उससे पूरी दुनिया को ये समझ आ गया कि वो कितने प्रभावशाली नेता हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने जंग झेल रहे देश में हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की भी अपील की। मोदी के इसी बयान की तारीफ रूसी विदेश मंत्री के साथ साथ एक अमेरिकी सांसद ने खुलकर की थी। अमेरिकी सांसद कैरोलिन मैलोनी ने कहा था कि मोदी यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत सकारात्मक उद्देश्य है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, प्रधानमंत्री के नीतियों की तारीफ तो दुश्मन देशों ने भी कई मौकों पर किया है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों ही पड़ोसी मुल्कों ने हाल में ही भारत की रणनीति और पीएम मोदी की सूझबूझ की खुले मंच पर तारीफ की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सराहा था और कहा था कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात किया। तो उधर बीते कुछ महीनों से भारत की तरफ चीन के रुख भी कुछ बदले बदले से हैं। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भी कई बार भारत और भारत की विदेश नीति के तारीफों के पुल बांध चुका है। इतना ही नहीं, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी अचानक भारत दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि भारत ने कुछ ऐसा रुख अपनाया कि ये मुलाकात नहीं हो पाई। यहां से अपने मुल्क वापस लौटने के बाद वांग यी ने एक इंटरव्यू में भारत की तारीफ में कसीदे कसे। वांग यी ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक और पड़ोसी देश श्रीलंका, जो इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, भारत उसकी मदद के लिए सबसे पहले और खुलकर सामने आया है। ये भारत की बेहतरीन रणनीति और विदेश नीति का ही एक और उदाहरण है, जिसकी कायल पूरी दुनिया हो चुकी है। दरअसल श्रीलंका ने ऐसा दिन पहले कभी नहीं देखा, जब ऐसी कठिन परिस्थिति में श्रीलंका ने भारत से मदद की गुहार लगाई तो भारत ने खुले दिल से मदद की पेशकश की। भारत ने मदद के तौर पर श्रीलंका को जनवरी से अब तक 19,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है। 3 अप्रैल को 1.5 लाख मैट्रिक टन ईंधन की सप्लाई के साथ साथ कई और मदद भी मुहैया कराई। श्रीलंका के मदद के लिए भारत के इस तरह सामने आने से एक बार फिर भारत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। बहरहाल हमारे इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।